नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और शमशान घाटों के 150 मीटर के दायरे मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। दिल्ली नगर निगम के सदन ने 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी धार्मिक स्थल और मांस की दुकान के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होगी। मस्जिद समिति या इमाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर मस्जिद के पास मांस की बिक्री की जा सकेगी। हालांकि मस्जिद के 150 मीटर के दायरे में पोर्क बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी लागू हो जाएगी। एमसीडी ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस पॉलिसी में मीट की छोटी दुकानों से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग या स्टोरेज प्लांट के लिए लाइसेंस देने और रिन्यूअल को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली के पूर्ववर्ती, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों में मांस बेचने का लाइसेंस और रिन्यूअल की फीस दुकानों के लिए 18,000 रुपये और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 1.5 लाख रुपये तय की गई है। लाइसेंस जारी होने के बाद हर 3 साल पर रिन्यूअल फीस और जुर्माने में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। एमसीडी की नई लाइसेंस पॉलिसी का मीट व्यापारियों ने विरोध किया है। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा कि अवैध मीट दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पहले 2,700 रुपये का भुगतान करना होता था, इसे अब बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया है। दुकानदारों के लिए इतना भुगतान करना मुश्किल है। अगर एमसीडी ने लाइसेंस पॉलिसी वापस नहीं लिया तो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।